हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नालंदा घूमने वाले हैं और इस वीडियो को शुरू करने के पहले राजगीर और पावापुरी दोनों वीडियो देख लें, जिससे कि आपको आसानी होगी कि हम कैसे यहां पहुंचे। हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने जाने वाले हैं, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो पता नहीं हम लोग देख पाएंगे कि नहीं, आज जहाँ जा रहे हैं वहीं बहुत लाइन है। तो यहाँ देख रहे हैं लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। एंट्री टाइम 5 बजे तक है, लेकिन 4:40 तक ही हमें टिकट मिलेगा। तो अगर हम लोग टिकट ले पाएंगे तो हम लोग जा पाएंगे। यहाँ नालंदा का मैप सारे पॉइंट्स के साथ दिया हुआ है। फाइनली हमें टिकट मिल गया, 40 रुपीज करके टिकट है, और इंडियन का 40 रुपीज करके टिकट है। टिकट में बहुत लाइन थी, लेकिन फिर भी इस बार ये लाइन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही थी तो मिल गया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम लोग 4:05 में पहुंचे हैं और 5 बजे यहाँ बंद हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 55 मिनट्स का टाइम है घूमने के लिए। पापा छू के फील कर रहे हैं। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे हैं। यहाँ नालंदा की जो जानकारी दी गई है उसे मैं आपको घुमाते हुए पढ़ते जा रही हूँ। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्वाण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला व संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान व महाविहार के रूप में इसकी पहचान 5वीं शती में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्रियों में वेनसांग और इत्सिंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत से नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा भिक्षुओं के जीवनचर्या आदि का विशद वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिक, तत्वज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि इस शिक्षा संस्थान में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेकों ग्रामों के राजस्व से इन महाविहारों का व्यवहन किया जाता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कन्नौज नरेश, हर्षवर्धन व पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में भी महाविहारों को राज्य प्रश्रय अनवरत प्राप्त होता रहा। यद्यपि इस महान शिक्षा संस्थान का क्रमिक ह्रास परिवर्तित पाल शासकों के समय में ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा
कराए गए उत्खनन से यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला अनावृत हुई, जिसका विस्तार 1 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर संख्या 3 है, जिसमें निर्माण के 7 चरण हैं। इसके निकट छोटे आकार के मनौती स्तूपों का एक विशाल समूह है। महाविहारों व मंदिरों के भग्नावशेषों के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य एवं स्टक्कों में निर्मित अनेक मूर्तियां तथा कलाकृतियां उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इनमें से विभिन्न मुद्राओं, बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मारीचि, नल्लव आदि बौद्ध प्रतिमाएं तथा विष्णु, शिव, पार्वती, महिषासुर, गणेश, सूर्य इत्यादि हिंदू प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भित्ति चित्र, ताम्रपत्र, प्रस्तर एवं ईंट पर उत्कीर्ण अभिलेख, मुद्राएं, फलक, सिक्के, टेराकोटा आदि की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है। इन सभी कलाकृतियों व पुरावस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। Oh,
जिनको हिस्ट्री नहीं पता उनके लिए सिर्फ ये ईंटें हैं, जैसा कि अभी कुछ लेडीज़ कह रही थी। और जो जानते हैं 7-8 के बच्चे भी इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में भी नालंदा के इतिहास को पढ़ाया जाता है, बच्चों की किताबों में है। बाप रे क्या रूम है, सबसे इसका मेन चीज है उस समय का हमारा, इसके लिए बिना किसी कंट्रोल के कैसे टिकाया गया है। इस सपोर्ट को दिखाओ, ये भारतीय स्टाइल था स्ट्रक्चर में, जिस बीम में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है इस स्ट्रक्चर में, और पूरा रेलिंग टिका हुआ है। ये भारतीय स्टाइल है, ये भारतीय इंजीनियरिंग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का मॉडल ये है, बोल्डर्स को राबिस वगैरह में मिक्स किया गया, ये इंडियन सीमेंट था तब का। देखो जो मॉडर्न सीमेंट है राबिस से जोड़ा गया है। Oh, 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 oh
अंधेरा होने लगा है और 5 से ज़्यादा बज चुका है, तो 5 बजे बंद होने का टाइम था, इसलिए गार्ड लोग सीटी बजाने लगे हैं कि अब निकलना है। धीरे धीरे सभी लोग निकलते जा रहे हैं और नालंदा घूमना हमारा पूरा टाइम पर कंप्लीट हो गया। ये मनौती अस्तूपा दिख रहे हैं गुरु का ऊपर, और नीचे में उनके जो जूनियर प्रोफेसर वगैरह थे उनके मनौती अस्तूपा हैं ये। अमीषा जी, आपने अपने छोटे क्लासेज में नालंदा के बारे में सुना था और पढ़ा भी था, अभी जो आपने पढ़ा उसको सामने देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ को छू कर इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पूर्वज भी यहाँ पढ़े होंगे, यहाँ हो जाएगा होंगे इतने सालों पहले, भी हो सकता है हो जाए आप यहाँ की प्रोफेसर रही हो सकता है, मैं यही पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही थी। चलिए बढ़िया है, आपके एहसास से धरती पवित्र होगी। अरे बस बस, तो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को हमने घूम लिया, यहाँ पर हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लेकिन सब अभी अधूरा है, टूटा हुआ है, पता नहीं उस जमाने में कैसा दिख रहा होगा। तो ये मेन है और बाकी सब भी आपने देखा, हॉस्टल भी देख लिया जो यहाँ जहाँ छात्र खाते थे, क्लासरूम सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, हम लोग अभी उसकी शेष स्मृतियों को देख पा रहे हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बिहार के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।